हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 टाइम एंड वर्क ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी सिंपल भी है। इसको करने के कुछ प्रोसीजर्स है, उस प्रोसीजर्स को फॉलो करिएगा तो ये करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है, ए फार्मर कैन रीप अ फील्ड इन 10 डेज, ठीक है, व्हाइल हिज वाइफ कैन डू इट इन 8 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। इन हाउ मच टाइम कैन दे रीप द फील्ड, मतलब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस काम को कितने दिनों में कर सके। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए कि फार्मर जो है वो इस काम को कितने दिन में कर सकता था, 10 डेज में कर सकता था। उसकी वाइफ जो है वो इसी काम को कितने दिन में कर सकते थे, 8 डेज में। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, हमेशा ये निकालना होता है पहले। तो इन वन डे फार्मर एंड हिज वाइफ कैन डू इन वन डे, कैसे निकलेगा? यहां देखिए, फार्मर ने ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, वो 10 डेज में। तो वन डे का वर्क क्या होगा इसका, 1 by 10। उसका वाइफ जो है ये पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 8 डेज में। तो वन डे का वर्क कितना होगा, 1 by 8। इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो ये वन डे का दोनों का मिलाकर काम हो गया। 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। 10 4 8 5 तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, 9 by 40 मिला। इन वन डे फार्मर एंड हिज वाइफ कैन डू 9 by 40 वर्क। इसको लास्ट स्टेप में क्या करना होता है कि इसको रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है, मतलब ये इन वन डे था ना, अब इसको हटा दीजिए, वन डे हटा दीजिए तो क्या रह गया, फार्मर एंड हिज वाइफ कैन डू द वर्क इन कितने दिनों में। इसको उल्टा कर दीजिए, 9 by 40 था, ये 40 by 9 days। अब इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम लोग, 9 है 9 4 36, 4 by 9 days। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए कैन डू 1/5 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 2 डेज। अच्छा, ए 2 डेज में कितना काम कर सकता है, 1/5 ऑफ ए वर्क। एंड बी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मच टाइम दे टूगेदर कंप्लीट द वर्क, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, दोनों मिलकर एक काम को कितना दिन में करें, उसके लिए उसका एक दिन का काम निकालना बहुत जरूरी होता है, बिना उसका होगा नहीं। तो इसमें देखिए क्या है, ए 1/5 ऑफ ए वर्क कितने दिन में कर सकता है, 2 डेज में कर सकता है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, तो एस 1 डे वर्क, एस का 1 डे का वर्क देखिए, 2 दिन का काम कितना है, 1/5 है, तो 1 दिन का काम कितना हुआ, 1 by 10। ये 2 नीचे आ गया ना, 2 दिन में 1/5 काम किया, तो 1 दिन में कितना करेगा, कम करेगा, तो ये डिवाइड, तो 1/5 × 2, तो 1/10 हो गया। उसी तरह देखिए बी का 1 दिन का काम कितना है, बीस वन डे वर्क। बी देखिए 8 दिन में कितना काम करता है, 8 दिन में 2/3 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा वो, 2/3 × 8 कितना, 24, मतलब 1/12 ये निकल गया। अब दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना काम करेगा, देखिए इन वन डे ए एंड बी कैन डू 1/10 + 1/12, एलसीएम कितना होगा, 60 60 10, तो 6 हो गया, 12 5, यहाँ से क्या आया, 11/60 आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप इसका रेसिप्रोकल, इन वन डे ए एंड बी कैन डू, है ना, तो वन डे को हटा दीजिए तो क्या रह गया, ए एंड बी, तो ए एंड बी कैन डू द वर्क इन, इसका उल्टा मतलब 60 by 11 days, तो 60 by 11 days मतलब कितना, 11 5 = 55, 5 by 11
डेज। देखिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए वन टैप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, एक टैप है जो टैंक को 20 मिनट्स में फिल कर सकता है, दूसरा एक टैप है जो उसी टैंक को 12 मिनट्स में फिल कर सकता है। तो फिर आप बताइए कि ये दोनों टैप मिलकर एक खाली टैंक को कितने देर में फिल कर सकता है। तो अब हमको पता है कि पहला टैप पूरे टैंक को 20 मिनट्स में फिल कर सकता है, तो एक मिनट में वो कितना फिल करेगा वही तो निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा ये लिख देते, टैप वन, ये वन टैप जो है इसको टैप वन करके लिखते हैं हम लोग, टैप वन कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, ठीक है। टैप टू, टैप टू कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, फिर इन 1 मिनट, इन 1 मिनट टैप वन प्लस टैप टू कैन फिल, दोनों मिलकर एक मिनट में कितना फिल करेगा, 1/20 + 1/12। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सिर्फ ध्यान में रखिए, ऐसे ही करना होता है। तो 20 और 12 का एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालना तो आप शॉर्टकट जानते ही हो। जैसे इन दोनों में से बड़ा नंबर देखिए 20 और 12 में बड़ा नंबर कौन है, 20, 20 का मल्टीपल काउंट करिए, 21 से 20, 22 से 40, 40 से क्या दोनों डिविजिबल है, नहीं, 23 से कितना 60, देखिए 60 से दोनों डिविजिबल है 12 भी और 20 भी, तो एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, 3 टाइम, और ये कितना 5 टाइम, तो यहाँ से कितना आया 8/60। ये क्या निकला इन 1 मिनट, 1 मिनट को हटा दीजिए तो क्या रह गया, टैप वन एंड टैप टू कैन फिल द टैंक, कैन फिल द टैंक इन इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब 60/8 रिड्यूस हो रहा है तो कर दीजिए, 2 4 ज़ा 2 30 ज़ा 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा, तो 15/2 का मतलब कितना 7 1/2 मिनट्स, 7 1/2 मिनट्स। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर एक और काफी सिंपल क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, ठीक है, बी कैन डू इट इन 8 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, इन दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया, इसके बाद क्या हुआ बी इस काम को छोड़कर चला गया, तो फिर आपको बताना है कि बचा हुआ काम जो है उसको करने में ए को कितना समय लगा। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि इन दोनों ने जो मिलकर 2 दिनों तक जो काम किया है वो काम कितना था, कितना काम इन दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक किया। तो 1 डे का वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, बस एकदम सिंपल, इन 1 डे, इन 1 डे ए एंड बी कैन डू, देखिए क्या है ए का वर्क क्या था 6 डेज में वो कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/6, बी का 8 था तो एक दिन में 1/8, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम देखिए 8 इसमें बड़ा नंबर है, 8 देख लीजिए, 8 1 8, नहीं, 8 2 16, 8 3 24, तो इसका एलसीएम हो गया 24, क्योंकि 24 दोनों को डिवाइड करता है, 6 4 8 3, यहाँ से क्या मिला 7/24, ये 7/24 क्या है, इन 1 डे ए एंड बी कैन डू इतना वर्क, लेकिन इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 2 दिनों तक काम किया, तो इन 2 डेज, इन 2 डेज ए एंड बी कैन डू 2 दिनों तक कितना काम करेंगे ये लोग, 7/24 इंटू 2 मतलब 7/12 वर्क इन लोगों ने कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क को हम लोग 1 बोलते हैं, टोटल वर्क मतलब 1, टोटल वर्क मतलब 1, उसमें से कितना हो गया 7/12 हो गया, तो बचा कितना, एलसीएम कितना है 12 है, तो ये 12 माइनस 7 कितना 5/12 वर्क बचा हुआ है।
अब ये बचा हुआ काम को करेगा कौन? ए करेगा। तो ए विल कंप्लीट द वर्क, ए विल कंप्लीट द वर्क इन कितने दिनों में? कितना काम बचा हुआ है? 5/12। ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है? 6 days। बस उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2 = 12, 5/2 मतलब 2 1/2 days, 2 1/2 days, बस ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ठीक है, ही वर्क एट इट फॉर 8 days एंड बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 16 days, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ दे डू इट टूगेदर, दोनों ने मिलकर यदि काम किया होता तो उस काम को कितने दिनों में खत्म करते। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल और काफी आसान है। आप सबसे पहला चीज देखिए क्या दिया हुआ, ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 40 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में ए इस काम को कितना करेगा? तो इन वन डे एस वर्क कितना हो जाएगा? 1/40, ठीक है। ए ने कितने दिनों तक काम किया? 8 days तक काम किया। एस 8 days वर्क, एस 8 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/40 × 8 मतलब 1/5, 1/5 वर्क इन्होंने कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? तो रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क को हम लोग 1 बोलते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 - 1/5, यहाँ देखिए एलसीएम 5, 5 - 1 मतलब कितना? 4/5, ये रिमेनिंग वर्क है। इस रिमेनिंग वर्क को किसने किया? बी ने किया। कितने दिनों में किया? 16 days में किया। 16 days में, 16 days में इतना वर्क किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी का 1 day वर्क, बीस 1 day वर्क, बीस 1 day वर्क, ये 16 days का काम है। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग वर्क को क्वेश्चन में बोला है बी ने 16 days में किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 4/5, ये 16 नीचे आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 मतलब 1/20। अब ध्यान से देखिए, ये 20 है, वे 20 है। अब ध्यान से देखिए, बी का 1 day का वर्क कितना है? 1/20। ए का 1 day का वर्क कितना है? 1/40। तो इन वन डे ए एंड बी कैन डू कितना? 1/40 + 1/20, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग। एलसीएम कितना? 40, तो ये 1 + 2 मतलब 3/40। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये 1 day हट जाएगा, तो ए एंड बी कैन डू, तो ए एंड बी कैन डू इन हाउ मेनी डेज? इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये 40/3 days। इसी को यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 1/3 days। बस आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए एंड बी सेपरेटली डू अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, मतलब बी इस काम को छोड़कर चला गया और ए ने बचे हुए काम को कंप्लीट किया 5 days में। तो आपको बताना है कि इन दोनों ने मिलकर साथ में कितने दिनों तक काम किया था। ये क्वेश्चन है, ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे आप देखिएगा काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको करने का अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एंड बी सेपरेटली डू अ वर्क इन 10 and 15 days, मतलब एक दिन में ए कितना काम करेगा? देखिए, इन वन डे ए कैन डू, एकदम सिंपल है, देखिए 1/10 है ना, अच्छा उसी तरह से इन वन डे बी कैन डू कितना? 1/15। फिर इन वन डे ए एंड बी कैन डू,
ए एंड बी कैन डू 1/10 प्लस 1/15, ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 30, 10 3s are, तो 3 और ये 2, तो ये आ गया आपका 5/30 मतलब 1/6, तो 1/6 काम जो है वो दोनों मिलकर एक दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों ने कितना दिनों तक काम किया, सम डेज, तो वो सम डेज जो है उसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो लेट द डेज वर्क टुगेदर, लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज वर्क टुगेदर बी एक्स, एक्स मान लेते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं 1/6, तो एक्स डेज में, एक्स डेज में कितना काम करेंगे, तो इन एक्स डेज, इन एक्स डेज ए एंड बी कैन डू एक्स बाई सिक्स वर्क, तो इतना काम तो उन लोगों ने कर लिया, तो बचा क्या, रिमेनिंग वर्क क्या है, तो रिमेनिंग वर्क वन से माइनस करते हैं ना, 1 - x/6, यहां से क्या आएगा एलसीएम 6, तो ये 6 - x, तो ये रिमेनिंग वर्क है। अच्छा, ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कौन करेगा, ये रिमेनिंग वर्क करेगा ए, कितने दिनों में, 5 डेज में, माने ए 5 डेज में इतना काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो इन वन डे ए कैन डू, ये 5 डेज का वर्क है, तो एक दिन का काम कितना हुआ 6 - x/, ये 6 तो पहले से है, ये 5 भी तो नीचे आ जाएगा, तो 30, इतना काम एक दिन में ए करेगा। यहां देखिए वन डे वर्क ऑफ ए आपने यहां भी निकाला था, ये भी तो वही है, इन वन डे ए कैन डू 1/10 वर्क, इन वन डे ए कैन डू, ये दोनों तो वन डे का ही ए का वर्क है, तो क्या हम लोग इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, मतलब 1/10 इक्वल्स टू 6 - x/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 60 - 10x = 30, ये -10x है उधर चला गया प्लस हो जाएगा, वो प्लस है इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 60 - 30 कितना 30, ये कितना 10x, तो x कितना होगा 30/10 3, तो x आ गया 3, और x क्या था नंबर ऑफ डेज दिस दे वर्क टुगेदर, यही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था, फॉर हाउ मेनी डेज हैड ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो इसका आंसर आया आपका 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 3 वुमेन और है देखिए एंड नहीं है, और 5 गर्ल्स टेक 17 डेज टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब यहां पे पहले इस लाइन से आप समझिए कि 3 वुमेन किसी काम को 17 डेज में कर सकता है, वही काम 5 गर्ल्स भी 17 डेज में कर सकता है, मतलब ये हुआ कि 3 वुमेन्स का जो काम है वो 5 गर्ल्स के काम के बराबर है ना, इस रिलेशन से देखिए हम लोग कैसे डेराइव करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको लिखते कैसे देखिए, 3 वुमेन वर्क इज इक्वल्स टू 5 गर्ल्स वर्क इज इक्वल्स टू 5 गर्ल्स वर्क, है ना, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने कि 3 वुमेन का जो काम है वो 5 गर्ल के काम के बराबर है, तो 1 वुमेन वर्क जो होगा वो 5/3 गर्ल्स के काम के बराबर होगा। अच्छा, हमें चाहिए क्या, हमें निकालना क्या है, 7 वुमेन्स एंड 11 गर्ल्स, तो यहाँ पे 7 वुमेन है ना, 7 वुमेन है, तो 1 वुमेन था, अब 7 वुमेन का निकाल लीजिए, तो 7 वुमेन्स वर्क जो होगा वो क्या होगा 5/3 × 7 मतलब 35/3
गर्ल्स के वर्क के बराबर होगा, गर्ल्स वर्क के बराबर होगा, ठीक है। सेवन वुमेन एंड इलेवन गर्ल्स, सेवन वुमेन एंड इलेवन गर्ल्स, तो सेवन वुमेन का जो वर्क है वो कितने गर्ल्स के बराबर है, 35/3 गर्ल्स के बराबर है, 35/3 प्लस 11 गर्ल्स, ये भी गर्ल्स है ना, तो दोनों गर्ल्स हो गया। अब इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो ये प्लस करने पे देखिए क्या आएगा, आपका एलसीएम कितना है, 3 है, तो ये 35 और ये 33, यहाँ से आ गया आपका 68/3 गर्ल्स वर्क के बराबर आ गया, गर्ल्स वर्क के बराबर आ गया। ये सब करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए हम लोगों ने इस रिलेशन को चेंज करके इस रिलेशन में चेंज कर दिया, मतलब अब यदि हम लोग 68/3 गर्ल्स वर्क निकाल ले तो वो हमारा 7 वुमेन्स एंड 11 गर्ल्स के वर्क के बराबर आ जाएगा, तो यही हम लोग को निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए ये एक रिलेशन में आ गया, गर्ल्स में आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 गर्ल्स टेक 17 डेज टू कंप्लीट द वर्क, 5 गर्ल्स को कितना टाइम लगता है, 5 गर्ल्स को 17 डेज, ठीक है, 5 गर्ल्स को, गर्ल्स डेज नहीं, 5 गर्ल्स को 17 डेज लगा, तो 1 गर्ल उसी काम को करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा, तो 17 × 5 डेज, ठीक है, 68/3 गर्ल्स यदि इस काम को करे तो फिर क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, इसके कंपैरिजन में कम लगेगा, तो 17 × 5 × इसका रेसिप्रोकल, 3/68 17 4 जा 17 4 जा, तो क्या आया 15/4, ये 15/4 मतलब 4 × 3 = 12, 3/4 क्या डेज, देखिए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन डू ए जॉब इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर एंड अर्न ₹3,500 हाउ शुड दे शेयर द मनी। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि ए इस काम को 10 डेज में कर सकता है, बी उस काम को 15 डेज में कर सकता है, इन दोनों ने मिलकर काम किया और ₹35,000 अर्न किया, तो आप बताइए ये दोनों आपस में इस पैसे को कैसे बांटेंगे और किसको कितना मिलेगा, ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा। कभी भी आपको शेयर निकालना हो तो शेयर निकालने के लिए तो आपको रेशियो चाहिए होगा, बिना रेशियो का आप डिवाइड नहीं कर सकते, और रेशियो कहाँ से आता है, वन डे वर्क। उसी तरह देखिए, ए कैन डू ए जॉब इन ए 10 डेज, तो इन वन डे ए कैन डू कितना होगा, इन वन डे ए कैन डू 1/10 वर्क, ठीक है। उसी तरह देखिए, इन वन डे बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/15। ये जो वन डे का वर्क आपने जो दोनों का निकाला ना, इसी से ही आपको रेशियो मिलेगा। अब रेशियो देखिए, यहाँ से रेशियो कैसे निकाल सकते हैं आप, रेशियो 1/10 = 1/15, 5 × 2 = 5, 3 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3:2 का रेशियो मिला। आपको जो मनी शेयर करना है वो कितना है, टोटल अर्निंग जो है आपका वो है ₹3,500, उसमें ए का शेयर कितना होगा, ए का पार्ट कौन सा है, रेशियो देखिए 3:2 है, तो ए का पार्ट कितना है, 3 बाई सम ऑफ द रेशियो कितना है, 3+2 कितना, 5 × 3,500, 5 कितनी बार में, 7 टाइम में, तो 700 × 3 कितना, 2100, ये आपका ए का शेयर आ गया। उसी तरह देखिए बी का शेयर क्या होगा, बी का रेशियो पार्ट क्या है, 2 बाई टोटल रेशियो कितना है, 5 × टोटल मनी कितना था, 3500, ये रिड्यूस हुआ, 5 × 7 = 700 × 2 कितना, 1400। इस तरह से देखिए आपने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू अ वर्क इन 2 डेज, 6 डेज एंड 3 डेज,
रेस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर हाउ मच दे विल रिक्वायर टू डू इट, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन तो अब काफ़ी ईजिली आपसे बन जाना चाहिए। कैसे करेंगे, वन डे का वर्क पहले निकालेंगे, तो इन वन डे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू, एक दिन में तीनों मिलाकर कितना काम कर सकते हैं, ये है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इन तीनों का एलसीएम क्या है, 6 है, 2 3 टाइम प्लस 1 प्लस 2, मतलब 6/6 यहाँ से क्या आया 1। तो वन डे में ये इतना काम कर सकते हैं, तो पूरा काम तीनों मिलकर कितना में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन, हम लोग क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो वन का रेसिप्रोकल तो वन ही होता है, इन वन डे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि तीनों ने मिलकर 960 रुपीस का अर्न किया है, इसको आपस में ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपस में इसको डिवाइड करने के लिए रेशियो चाहिए होगा, वो रेशियो कहाँ से मिलेगा, वो ये वन डे के वर्क से मिलेगा। तो रेशियो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए वन डे का वर्क क्या था, 1/2 is to 1/6 is to 1/3। इसको सिंपल रेशियो में चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, काफ़ी सिंपल है। देखिए 1/2 into 6, अच्छा 1/6 into 6 और ये 1/3 into 6, इससे क्या हुआ, 2 3 6, 6 से 6 चला गया, 3 2 6, तो ये 3:1:2 जो रेशियो मिला, 3:1:2 का रेशियो मिला, ठीक है। टोटल अर्निंग कितना है, टोटल अर्निंग जो आपके पास है वो है ₹960, जिसको आपको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला कौन है, ए, तो ए का शेयर क्या होगा, ए का शेयर देखिए रेशियो ए का क्या है, इस रेशियो का पार्ट क्या है, 3 बाई टोटल रेशियो क्या है, 3 + 1 + 2 = 6 इंटू 960, 6 से रिड्यूस करिए, 6 1 = 6, 6 6 = 36, 160, 160 इंटू 3 कितना हुआ, 480, ए का शेयर आ गया। उसी तरह देखिए बी का रेशियो पार्ट क्या है, 1 है, बाई टोटल रेशियो क्या है, 6 है, इंटू 960, इसको इससे करने पे कितना, 160 इंटू 1 कितना, 160, तो ए और बी का शेयर आ गया। इसी तरह से आप सी का शेयर निकाल सकते हो, ये सी का शेयर क्या है, 2 बाई टोटल रेशियो 6 इंटू कितना, 960, यहाँ से कितना, 160 इंटू 2 कितना, 320। इस तरह से देखिए आपने तीनों का शेयर निकाल लिया, बस यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है, बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, सी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज, ठीक है, एंड हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कैन डू द वर्क। ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सम्स एकदम सिंपल है। इसको अप्रोच देखिए, करने का अप्रोच देखिए क्या है, क्या बोला है, ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 डेज में, तो एक दिन में तो इन वन डे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू कितना काम कर सकता है, वो 1/15, ठीक है। आगे देखिए, बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, सी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज, मतलब इन वन डे बी प्लस सी कैन डू, एक दिन में बी और सी कितना कर सकता है, बी देखिए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30, सी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40। अब इसका एलसीएम ले तो कितना एलसीएम आएगा, 120 आएगा, 120, 30 कितने बार में, 4 बार में, 40 कितने बार में, 3 बार में, इससे कितना आया, 7/120। अब आप ध्यान से देखिए,
इन वन डे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इतना है, इन वन डे बी प्लस सी कैन डू इतना है, यदि इससे इसको माइनस कर दे तो इन वन डे ए कैन डू कितना वो निकल जाएगा, एक दिन का काम ए का निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें बी प्लस सी है, इसको इससे माइनस करने पे ए का एक दिन का काम निकल जाएगा, बस वही करना है। तो इन वन डे ए कैन डू 1/15 माइनस 7/120, 15 और 120 का एलसीएम कितना होगा 120, 120 से 15 को डिवाइड करिए 8 टाइम, तो 8 ones are 8 और ये 7, 8 माइनस 7 कितना 1/120, ये जो 1/120 जो निकला क्या निकला, इन वन डे ए कैन डू, एक दिन में ए कितना काम कर सकता है इतना, तो वन डे को हटा दीजिए तो क्या है, ए अलोन कैन डू द वर्क इन, क्या करते हैं हम लोग, उल्टा रेसिप्रोकल, इन 120 डेज, बस यही तो करना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक और काफी सिंपल क्वेश्चन, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन प्लग अ फील्ड इन 4/5 डेज। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है, ए B and C can plug a field, in कितना डेज में, देखिए 5/4 are 20 + 4 = 24/5 days, ठीक है, तो in one day ए प्लस बी प्लस सी कैन डू कितना, वन डे के लिए क्या कहते हैं हम लोग, 1/this, तो 1/24/5 मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/24, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 8 days, तो इन वन डे A and C can do, in one day A and C can do 1/8 work, ठीक है ना, 1/8 work पूछा है, B अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तब अब ध्यान से देखिए, A plus B plus C एक दिन में इतना काम है, A और C एक दिन का काम इतना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो B का एक दिन का काम निकल जाएगा, तो in one day B can do, कितना 5/24 - 1/8, तो 24 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24, तो ये 5, 8 3 are, तो 5 - 3 कितना 2, तो 2/24, ये 2/24 क्या है, इन वन डे बी कैन डू इतना, तो बी अलोन कैन डू, तो बी ये वन डे को हटा देना है, तो बी कैन डू द वर्क इन, क्या करते हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल, तो 24/2 मतलब 12 days, मतलब आंसर आपका ये 12 days, देखिए कितना इजीली ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 days, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days, ए एंड सी कैन डू इट इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक फिनिश द वर्क वर्किंग ऑल टुगेदर। पहले ये पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर आगे दूसरा पार्ट में आएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको करने का अप्रोच देखिए क्या है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला, इन वन डे के रेस्पेक्ट में हम लोग सब निकालेंगे, ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 days है, तो इन वन डे कैन डू कितना 1/10 वर्क। उसी तरह देखिए बी एंड सी, तो एक दिन में बी और सी का वर्क कितना होगा, कैन डू
बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, तो वन डे में कितना है 1/15। आ गया ये ए एंड सी, तो इन वन डे ए एंड सी कैन डू कितना 12 डेज में है, तो ये 1/12 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, इन सब को यदि आप ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या 1/10, ऐड कर रहे हैं ना, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 15 है, 15 का मल्टीपल में चेक करिए, 15 2 30 सब डिविजिबल है, नहीं है, 15 3 45 सब डिविजिबल है, नहीं है, 15 4 60 सब डिविजिबल है, तो एलसीएम क्या है 60 है, 10 6 15 4 12 5, तो यहाँ से ये कितना आया, देखिए 15/60 जो कि 1/4। ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1/4 है, तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 1/4 था ना, तो ये 2 नीचे जाएगा तो 1/8 हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या था, सारा वन डे के रेस्पेक्ट में था, तो इन वन डे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू 1/8 वर्क, तो ए बी एंड सी कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो फिर आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन इसका रेसिप्रोकल मतलब 8 डेज। ये पहला पार्ट हुआ, ये पार्ट जो था आपका ये था वर्किंग ऑल टुगेदर का, ये पार्ट निकल गया। आगे देखिए इसी क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ईच टू डू द सेम वर्क, बारी बारी करके सबका निकालना पड़ेगा कि ए इस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, बी इस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, और सी इस काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। ये भी काफ़ी सिंपल है, आप फॉलो करिए, एकदम सिंपल है। अच्छा, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये वन डे का वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क है, ये टोटल वर्क है। इन वन डे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू 1/8 वर्क, इन वन डे ए प्लस बी कैन डू 1/10 वर्क। ध्यान से देखिए, इन वन डे ए प्लस बी कैन डू 1/10 वर्क, इन वन डे ए प्लस बी प्लस सी कैन डू 1/8। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वन डे का सी का वर्क मिल जाएगा, सी का वर्क मिलेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें ए प्लस बी है, तो सी का वन डे का वर्क क्या होगा, सी वन डे वर्क 1/8 तीनों का था, उसमें से आपने ए और बी का वन डे का वर्क को माइनस कर दिया 1/10। 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, बड़ा नंबर क्या है 10 है, 10 का मल्टीपल में चलिए, 10 2 20 क्या दोनों का डिविजिबल है, नहीं है, 10 3 30 नहीं है, 10 4 40 है, तो 40 8 5 10 4 तो 5 - 4 कितना 1/40। इन वन डे सी का एक दिन का काम कितना है? इतना, तो सी अलोन कैन डू इट इन, तो सी अलोन कैन डू द वर्क इन, क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल 1/40 का रेसिप्रोकल 40 इन 40 डेज। देखिए सी का काम निकल गया, उसी तरह फिर बी का निकलेगा, अभी हम लोगों ने इसको पकड़ा था, ए और बी को पकड़ा तो सी मिला, यहाँ देखिए बी और सी दिया हुआ है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का काम है, यहाँ पे बी और सी है, इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा, ए का एक दिन का काम मिलेगा, तो एस वन डे वर्क कितना 1/8 माइनस बी और सी का मिला के एक दिन का काम कितना था 1/15। अब इसका एलसीएम कितना है, देखिए 15 और 8 का एलसीएम 15 4 60, ये तो आपका 120 पे ही जाएगा, 120 8 से डिवाइड करिए, 8 1 8 40 15 टाइम में
15 8 टाइम में, तो यहां से क्या मिला 7/120। तो ए का एक दिन का काम है, तो ए अलोन कैन डू द वर्क, ए अलोन कैन डू द वर्क इन, उल्टा कर दीजिए, 120/7 days। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ए का निकल गया, सी का निकल गया, बी का निकलेगा। बी का कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा। देखिए ए प्लस सी, एक दिन का काम कितना है 1/12, तीनों का मिला के एक दिन का काम इतना है, तो यहां से निकलेगा, तो 20 वन डे वर्क, 20 वन डे वर्क इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12। तो यहां पे 8 और 12 का एलसीएम देखिए, 12 है, 12 2's are 24, हो जाएगा 24 से दोनों डिविजिबल है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 24, 8 3's are 12 2's are 3 - 2 कितना 1/24। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो बी अलोन कैन डू द वर्क, बी अलोन कैन डू द वर्क इन, इसका उल्टा मतलब 24 डेज। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है। बाय मिस्टेक अ वेस्ट पाइप इन द बॉटम इज लेफ्ट ओपन एंड द टैंक इज फिल्ड इन 16 आवर्स। एक टैंक है, एक पाइप से जब आप उसको फिल करते हैं तो 12 आवर्स में वो फिल हो जाता है, लेकिन यदि वेस्ट पाइप खुला रह गया तो उसको फिल होने में 16 आवर्स लगता है। तो आप बताइए कि एक टैंक यदि पूरा भरा हुआ है तो उस वेस्ट पाइप से पूरा एम्प्टी होने में उसको कितना टाइम लगेगा। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहला तो देखिए, ये पाइप जो है टैंक को कितने देर में फिल कर सकता है, 12 आवर्स में फिल कर सकता है, तो एक आवर में कितना काम करेगा, तो इन वन आवर पाइप कैन फिल 1/12। अच्छा, व्हेन वेस्ट पाइप इज लेफ्ट ओपन इन वन आवर पाइप कैन फिल 1/16। अब देखिए, पाइप इसको फिल कर रहा था 1/12, लेकिन वेस्ट पाइप जब खुला हुआ था तो एक घंटे में कितना पानी गया, 1/16। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो किस लिए हुआ, क्योंकि वेस्ट पाइप था। तो आप बोल सकते हो कि इन वन आवर वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी कितना 1/12 - 1/16, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। एलसीएम कितना है 48, 12 4's are 16 3's are, मतलब 1/48। तो ये वन आवर में वेस्ट पाइप इतना एम्प्टी कर सकता है, तो पूरे टैंक को कितने देर में एम्प्टी करेगा, तो देयरफॉर वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन, इसका रेसिप्रोकल, इन 48 आवर्स। इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।